कुंभ में कोरोना, उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ में आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। यहां कोरोना विस्फोट हुआ, 102 तीर्थयात्री और 20 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए। मेले में कई धार्मिक संगठन के प्रमुखों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। नतीजा ये रहा कि अब मेले में हालात बेहद खराब हो सकते हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा, ना तो मास्क है ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। कुंभ में श्रद्धालु लाखों की तादाद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए धर्मनगरी पहुंच रहे हैं। इस बीच कोरोना का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की माने तो सोमवार को शाही स्नान के लिए 1,00,000 साधु संत जुटे थे। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK झा ने बताया कि सरकार द्वारा जारी कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। यहां CMO ने जानकारी देते हुए कहा कि बीते 24 घंटों में जूना अखाड़ा के 5, 2 निरंजनी अखाड़ा, नाथ और अग्नि के 1-1 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीते 4 दिनों में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के मुखिया नरेंद्र गिरी समेत 18 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के फिर से रौद्र रूप धारण करने के बाद भी मेले में इसकी जांच, मास्क पहनने और अन्य नियमों को मानने से इनकार करने वाले धार्मिक मुखियाओं और साधु संतों की जमात में से अब तक 20 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और 100 से ज्यादा श्रद्धालु भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी की तबियत बिगड़ने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। शनिवार को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको अखाड़े में ही आइसोलेट किया गया था। वहीं पिछले 5 दिनों में निरंजनी अखाड़े के 10 संत भी संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अखाड़े के कई संतों के कोविड सैंपल भी लिए। श्री महंत के संपर्क में आए UP के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी मंगलवार को लखनऊ में अपनी कोविड जाँच कराई, जो की पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर यकीन करें तो कुंभ के पहले शाही स्नान से 2 दिन पहले ही सैंपलिंग की रफ्तार बढ़ा दी गई थी। 10 से 12 अप्रैल तक विभाग की ओर से 1,52,271 श्रद्धालुओं की कोविड जांच हुई और इनमें 1,34,349 श्रद्धालुओं की रैपिड एंटीजन और 17,922 श्रद्धालुओं की RT-PCR जांच हुई। इनमें कुल 961 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। संक्रमित मरीजों में कईयों को जहां बॉर्डर से ही लौटा दिया गया, तो वहीं कई बाबा बर्फानी, गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज समेत अलग अलग कोविड केयर सेंटर्स में भर्ती कराए गए। स्थानीय निवासियों को होम आइसोलेट किया गया। दूसरी तरफ देहरादून में रमजान, नवरात्र और विवाह समारोह के मद्देनजर रात के कर्फ्यू का वक्त 10 बजे से बढ़ाकर 10:30 बजे कर दिया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को नवरात्र और इन दिनों में पड़ने वाले विवाह समारोहों और रमजान को देखते हुए आमजन की सुविधा के लिए रात के कर्फ्यू का वक्त 10 बजे की बजाय 10:30 बजे करने के निर्देश दिए। साथ ही समस्त जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल डेस्क टोटल